press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर मिलती हैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पावर प्लांट से रिलेटेड। इस वक्त मैं CSPGCL के प्लांट में हूं, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। और मैं यहां पर आया हूं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, दैट इज़ कॉल्ड रिस्टोरेशन वर्क ऑफ डैमेज ESP। और इस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, सो चैनल से जुड़े रहना ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। एंड गाइस, सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आने वाला साल आप सबके लिए बेहतर हो, ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आने वाले साल में आपका हेल्थ एंड वेल्थ बेहतर हो और आने वाली हर परेशानी से आप लोग महफूज रहो। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर, तो आप चैनल से जुड़े रहना ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सडनली ऐसा हो गया है कि लॉकडाउन के बाद एक साथ बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो चुका है, तो एक एक कर सभी प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करना है। उसके बाद एक एक कर आपको सारी वीडियो मिलेंगी हमारे चैनल पर, लाइक बॉयलर प्रेशर पार्ट से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से रिलेटेड। सो आप चैनल से जुड़े रहना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। एंड गाइज, यही रीज़न है कि मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में इतना बिजी हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ यूट्यूब पर। सो आप थोड़ा वेट करो, आपको इकट्ठे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बॉयलर प्रेशर पार्ट से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से रिलेटेड। इस वक्त देखो आप वीडियो में, ये जो आप देख रहे हो पूरा धुंधला सा, ये ऐश है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की ऐश है जो लीकेज हो रही है कहीं से। ये हाल है हमारे गवर्नमेंट प्लांट का, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्लांट है। और इस वक्त मैं ESP के टॉप एलिवेशन पर हूँ, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे HBR ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये हाउसिंग है, ये HBR ट्रांसफार्मर है, ये सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग है, ये एमिटिंग मोटर लगा हुआ है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर ESP के टॉप एलिवेशन पर। ये छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्लांट है। यहाँ पर टोटल 500 मेगावाट के दो बॉयलर हैं और यहाँ से 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोयले के थ्रू। ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हो, ये है यूनिट नंबर 1 की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर 500 मेगावाट की। ये सामने की तरफ कन्वेयर लाइन है जो बॉयलर से कनेक्ट होती है। ये सामने में है बॉयलर, ये बंकर्स हैं सारे जो आप वीडियो में देख रहे हो। और इस तरफ में ये सामने की तरफ देखो आप चिमनी 500 मेगावाट की, और इसी चिमनी से कनेक्ट है दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये है चिमनी का बॉटम पोजीशन और अब आप इसका टॉप पोजीशन देखो। और ये जो आप देख रहे हो डक्ट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नंबर 2 मतलब यूनिट 2 का डक्ट है। और इस साइड में देखो यूनिट 1 का डक्ट है जो सभी कनेक्ट है ESP से। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हो, ये सारे गेट हैं फील्ड को बाईपास करने के लिए, या ये कहें कि जो पास होते हैं पास ABCD इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के पास,
उसे बाईपास करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए ये सारे गेट को यूज किया जाता है। देखो इस तरह के सभी जगह पर आपको गेट दिखाई दे रहे होंगे। अभी इस वक्त पास सी आइसोलेट है, तो वहां पर देखो ये क्लोज है, बाकी का ओपन है। ये इसका मेन गेट एक वहां पर, एक वहां पर, वो दो पास के लिए, ये दो पास के लिए। गाइज मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ESP से रिलेटेड। सो अगर आपका कोई सवाल हो ESP से रिलेटेड तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उस पर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से रिलेटेड। गाइज अभी हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियो आएंगी, सबसे पहले रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट की बाकी बची हुई वीडियो आएंगी, उसके बाद NTPC रिहान सुपर थर्मल पावर स्टेशन की वीडियो आएंगी जो बॉयलर प्रेशर पार्ट से रिलेटेड होगी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट की वीडियो होगी जो ESP से रिलेटेड होगी, और यहाँ पर हमें बहुत बड़ा काम करना है, टोटल 22 फील्ड का इरेक्शन करना है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ का प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, बहुत सा टाइम लगना है इस प्रोजेक्ट में। तो आपको अभी कंटिन्यू 2-3 टॉपिक पर वीडियो मिलेंगी, बॉयलर प्रेशर पार्ट से रिलेटेड, ESP से रिलेटेड और गैस थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड। सो आप चैनल से जुड़े रहना ताकि पावर प्लांट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। एंड वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।